एक गरीब लड़के और एक अमीर लड़के की प्रेम कहानी थी फिल्म प्रेम कैदी, जिसमें करिश्मा कपूर अभिनय करते हुए नजर आई थी और उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। पर उनके साथ साथ फिल्म में नजर आए एक और कलाकार की खूब तारीफ की गई थी। वो थे एक्टर हरीश कुमार, जिन्होंने फिल्म के अंदर करिश्मा के प्रेमी चंद्रमोहन का किरदार निभाया था, जो कि एक गरीब लड़का था और अमीर लड़की बनी करिश्मा से प्यार कर बैठा था। पर उसे अमीर लड़की से प्यार करने की भारी सजा भुगतनी पड़ी थी। इसी किरदार को इस अभिनेता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतार और लोगों से खूब सराहना हासिल की। लेकिन दोस्तों, आप इस अभिनेता के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती है और कैसी दिखती है? अगर आप भी इनकी पत्नी के बारे में इन सभी बातों को जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस चॉकलेटी हीरो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिल्म में चंद्रमोहन का किरदार निभाने वाले एक्टर हरीश कुमार का जन्म 1 अगस्त 1975 को हैदराबाद में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई यहीं पर पूरी हुई। अगर बात करें इनकी फिल्मी करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1979 में आई तेलुगु फिल्म मुदुला कोदुकु से की थी, जिसके बाद ये काफी साउथ की फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आए। बाद में इन्होंने 1983 में आई फिल्म अंधा कानून में रजनीकांत के बचपन का किरदार निभाकर बॉलीवुड में अपना कदम रखा और बाद में कई हिंदी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम भी किया। वही कुछ सालों बाद साल 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से इन्होंने बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। इनके इसी शानदार प्रदर्शन के चलते ही ये फिल्म हिट रही और इंडस्ट्री के कई निर्माताओं ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर दिए और इस तरह इन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, जिनमें तिरंगा, जेंटलमैन, फूलन देवी और कोली नंबर 1 जैसी हिट फिल्में शामिल है। वहीं इन्हें आखिरी बार साल 2012 में आई फिल्म 4 दिन की चांदी में देखा गया था। इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने फिल्म जगत से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी, पर आपको बताते चले साल 2018 में आई फिल्म आ गया हीरो के साथ ये दोबारा अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके बाद ये आज भी फिल्मों में सक्रिय है और अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में बिजी है। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम संगीता जग है, जिनसे इन्होंने साल 1995 में शादी की थी, जो एक अरेंज मैरिज थी। पर शादी के इतने सालों बाद भी दोनों एक साथ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी पत्नी लाइमलाइट से दूर रहती हैं, इसलिए उनकी इंटरनेट पर एक ही तस्वीर मौजूद है, पर वो भी शादी के फंक्शन की, जिसमें वो शादी के जोड़े में सजी धजी नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हरीश की पत्नी संगीता चक फिल्मी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती हैं, बल्कि वो एक टीचर थी और शादी के बाद से ही एक हाउसवाइफ के तौर पर घर संभाल रही हैं। वहीं इन बीते सालों में दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए हैं और अपने इसी परिवार के साथ हरीश कुमार एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको हरीश और संगीता की जोड़ी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी कई मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।